20 लीटर की केन के पानी को खाद्य पदार्थ की श्रेणी में लिए जाने व कार्रवाई के अधिकार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग को मिलने के बाद पानी कारोबारियों ने आरओ वाटर एसोसिएशन का गठन कर लिया है। उन्होंने गुरुवार को पानी की कीमतें बढ़ाने का ऐलान भी कर दिया है। 1 सितंबर से घर दुकान पर सप्लाई की जाने वाले पानी को 25 रुपये प्रति केन में बेचा जाएगा तथा विवाह समारोह में 30 रुपये प्रति केन में बेची जाएंगी। गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष बैरागी ने बताया कि पानी बेचने के लिए फूड लाइसेंस लेना आवश्यक है। बिजली महंगी हो गई है, डीजल के दाम भी बढ़ गए हैं, इस वजह से पानी की कीमत बढ़ाना जरूरी हो गया है। हमारे कुछ साथी 10 से 15 रुपये प्रति केन में बेच रहे हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि समान दर पर ही सभी पानी बेचें। कारोबारी फूड लाइसेंस ले रहे हैं, 1 सितंबर तक सभी के लाइसेंस भी बन जाएंगे। पानी की कीमत भी बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि पानी के प्लांट 150 से 200 हो गए हैं, ऐसे में पानी में धंधा नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ फूड सेफ्टी विभाग ने पानी कारोबारियों पर कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है। 1 सितंबर से उनके लाइसेंस की जाँच होगी, लाइसेंस नहीं पाए जाने पर आरओ प्लांट सील किए जाएंगे। प्लांट व पानी की जांच होगी, सैंपल लेकर राज्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा, सैंपल फेल हुआ तो कार्रवाई होगी। ऐसे में प्लांट संचालक को पानी की क्वालिटी मेंटेन करना होगी। इसके चलते व्यापारी संगठित हो गए हैं, बाजार में 10-15 रुपए में पानी बेच रहे हैं, अशुद्ध पानी बेच रहे हैं, कहीं से ही भर के लाके और ग्राहक तक पहुँचा रहे हैं। इसलिए जो प्रेजेंट के आरओ प्लांट वाले हैं उनकी जो है क्वालिटी और उनकी बात खराब हो रही बाजार में, के सारे प्लांट वाले ऐसे ही पानी बेच रहे हैं। इसी को लेके हमने संगठन बनाया है कि ताकि बाजार को शुद्ध पानी मिल सके और उच्च क्वालिटी का और गुणवत्ता वाला पानी सभी लोग को पहुँचे। उसके लिए क्या कॉस्टिंग अभी बाजार में 15-20 रुपए जिसका मना है वैसा पानी बेच रहा है। हम सोच रहे हैं कि एक संगठन बन के बाजार में पूरे पानी का एक ही रेट रहे और उज्जैन शहरवासियों को स्वच्छ और साफ जल गुणवत्ता वाला प्राप्त हो। चाहते हैं कि हमारे उज्जैन में जितने भी भाई प्लांट वाले जितने भी लोग हैं सभी एक रेट रखे और अच्छा पानी दें, स्वच्छ पानी दें। यहाँ पे आज अगर उज्जैन में उस टाइम पे हमारे यहाँ पे आज 2014 में देखा जाए तो 30 प्लांट हुआ करते थे, आज 200 प्लांट है। तो भैया कौन कैसा पानी दे रहा है, कोई 15 रुपये में रख रहा है, कोई 10 रुपये में रख रहा है, कोई 25 रुपये में रख रहा है, कोई 20 रुपये में रख रहा है। इसका यह महत्व है कि जब हमने प्लांट चालू किया, जब हमारा प्लांट का जो 2014 और जो 2013 का रेट था उस टाइम पे 35 रुपये से 30 रुपये के लगभग था, और आज जो रेट है वो 15 रुपये 25 रुपये या 13 रुपये ऐसा, तो सभी का रेट एक हो जाए और सब स्वच्छ पानी दे। इसमें TDS मीटर रहता है जो कि हम चाहते हैं कि 100 से 150 TDS का पानी लोगों को मिले और स्वच्छ पानी मिले।